हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ यूएनएलएफ मीटी इंसर्जेंट ग्रुप दैट साइंड पीस डील विद सेंटर, तो क्या है, चलिए देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वेंसडे अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ पीस एग्रीमेंट विद द मीटी सेपरेटिस्ट ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ। तो ये है यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट इन मणिपुर, टर्मिंग इट अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। तो ये हिस्टोरिक माइलस्टोन इन्होंने इसको बोला है जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है आपका। द होम मिनिस्टर ऑल्सो एक्सप्रेस द होप दैट दिस वुड इंकरेज अदर वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप VBIGS टू पार्टिसिपेट इन पीस प्रोसेस। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं आपके वैली में, मतलब मणिपुर में, वहाँ पर आपको ये प्रमोट करेगा कि और भी लोग आओ और आप जितने इंसर्जेंट ग्रुप है ऐसे पीस प्रोसेस में पार्ट लो। तो यूएनएलएफ है क्या? व्हाट इज यूएनएलएफ? तो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट तो हमने देख लिया। द यूएनएलएफ वॉज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 24, 1964 एंड इज द ओल्डेस्ट वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव इन द स्टेट्स नागा डोमिनेटेड एंड कुकी जूमी डोमिनेटेड हिल्स। इट वॉज फॉर्म्ड विद द डिमांड ऑफ सक्सेशन फ्रॉम इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ अरेम्बम समरेंद्र सिंह, हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ग्रुप। टू ऑफ द टॉप सेंट्रल कमिटी लीडर्स खालालुंग कमई एंड थांग खोपो सिंह सित वर अ नागा एंड अ कुकी। तो ये सबसे सबसे बड़ी बात, तो ये आप देखिए सबसे पुराना ग्रुप है और ये आपका जो सबसे पुराना है, एक्टिव है, और स्टेट नागा डोमिनेटेड और कुकी जोमी डोमिनेशन से अलग है ये। इसका एम क्या था कि हमें सक्सेशन चाहिए, मतलब इनको अपना कंट्री बनाना था। बोलते हैं कि इंडिया से हमें अलग करो, तो वो चीज़ तो हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो ये फेडरेशन नहीं है कि आप अलग चले जाओ, तो ये तो इनका एम नहीं हो सकता पूरा। द यूएनएलएफ इज बिलीव टू हैव रिसीव्ड इट्स इनिशियल ट्रेनिंग फ्रॉम द NSCNIM, द लार्जेस्ट नागा इंसर्जेंट ग्रुप। इट्स आर्म्ड विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी। मणिपुर पीपल्स आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन 1990 एंड ओवर द ईयर्स इट हैज कैरीड आउट मल्टीपल टैक्स टारगेटिंग इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल। देर आर नाउ टू फैक्शन ऑफ UNLF एंड जॉइंटली गवर्नमेंट एस्टिमेट्स प्लेस द नंबर ऑफ कैडर एट 400 to 500। Its area of operation include all the valley area around the Manipur as well as some villages in Kuki-Zumi Hills district. A proscribed group banned under the Unlawful Activities Prevention Act. तो ये UAPA की बात हो रही है, UAPA में जिनको बैन किया गया है। It has largely been functioning from camps and training bases in Myanmar's Sagaing region, Chin state, and Rakhine state with a पेट्रोनेज ऑफ म्यांमार मिलिट्री। तो यहाँ से इनका फंक्शन चल रहा है। हाउएवर इट इज नाउ ऑन द बैकफुट देयर, तो उधर भी ये बैकफुट पर है। विथ माउंटिंग अटैक्स अगेंस्ट द मिलिट्री जुंता बाय वेरियस एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। वाइल द यूएनएफ जस्ट अ सेकेंड वाइल द यूएनएलएफ हैज वीकेंड ओवर द ईयर्स पुश्ड अक्रॉस द बॉर्डर टू म्यांमार, देयर हैज बीन कंसर्न्स अबाउट इट्स इंक्रीज एक्टिविटी अलॉन्ग विद द अदर VBIGs ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑन गोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। द टू UNLF फैक्शन आर बिलीव टू हैव ट्रेंड अराउंड 400 न्यू रिक्रूटर्स इन द पास्ट मंथ। तो अभी यहाँ पे हमने देखे 400-500 थे और लास्ट मंथ में इन्होंने 500 नए लोगों को रिक्रूट किया है। वॉट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पीस एग्रीमेंट, तो ये क्या है पीस एग्रीमेंट देखते हैं। द VBIGs हैव नेवर एंटर्ड इन टू एग्रीमेंट विद सेंटर पार्टिसिपेटेड इन एनी पीस टॉक। तो अभी तक ऐसे कोई भी जो ग्रुप्स हैं वो पीस टॉक्स में सेंटर के साथ तो आए नहीं है। ऑथर एंड फॉर्मर फेलो ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी मलयम निंगोथुजा हाउएवर सेड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डेफिनेटली स्टेट दैट दिस वॉज द फर्स्ट ग्रुप टू कम एंड अंडरस्टैंडिंग। इन द पास्ट देर हैव बिन सम ग्रुप्स लाइक UPPK, KCP एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप, दो देर स्ट्रेंथ्स में हैव बिन इनसिग्निफिकेंट विच हैव बिन आइदर डिसबैंडेड और रेंडर्ड इन टू इनसिग्निफिकेंस।
and we don't know under what terms they did so. Even in this case, we don't know the terms of agreement. तो terms of agreement क्या है ये तो हमें नहीं पता. देखो अगर terms of agreement पता चलेगा ना तो वो एक बार सेट हो जाएगा कि भाई अब इतना तो गवर्नमेंट देगी ही. तो जो दूसरा ग्रुप आएगा वो इस लेवल पे नहीं नेगोशिएट करेगा, वो बोलेगा हमें ये तो चाहिए ही चाहिए. आपने उनको मानो अगर बोल दिया कि 1 करोड़ रुपया देंगे, तो अब कोई भी ग्रुप आएगा तो पहले हम बोलेंगे भाई 10 लाख 20 लाख, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं भाई 1 करोड़ से तो ऊपर ही. उस समय उस ग्रुप को 1 करोड़ दिया था, हमें तो ये तो चाहिए ही चाहिए, तो मिनिमम है. तो वो बार सेट हो जाएगा, इसलिए टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं बताया जाता है. बट दिस हैज अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट सिंस इट्स कंसिडर टू बी द मेजर ग्रुप. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ग्रुप था. एट अ रिसेंट फ्लैग राइजिंग इवेंट इन मणिपुर मोर देन थाउजेंड्स पीपल अटेंडेड एंड इट हैज इट्स मास ऑर्गेनाइजेशन ही सेड. द UNLF अंडरवेंट फॉर्मल स्प्लिट इन मिड 1990s व्हेन एन ओकन ब्रोक अवे एंड हिज फैक्शन बिकेम द कांगलेई यावोल कन्ना लुप KYKL, another proscribed group. After Samrendra was assassinated in 2000, the UNLF leadership was taken up by R.K. Meghan, who was arrested in 2010. While Meghan was imprisoned, ये आपका जो Pembe है become chairman. There was another split in 2021 when Pembe broke away from the rest of the central committee. So now there are two factions, one under the chairmanship of Pembe and another under the chairmanship of Koireng. So ye NC Koireng aur Pembe, ye do abhi main inke do faction hai, unke leader hai. Pembe has been open to talks and the process of being ceasefire negotiation goes back to 2020. What about the other groups? Ab dusre groups ka kya hai? While the UNLF is the oldest of such groups, several other Meti insurgent groups have come into being subsequent years. The UNLF is one of the 7 Meti extremist organizations banned by the Union government. UNLF faction under Koireng continues to be opposed to talks. On the other hand, the tripartite suspension of Operation SOO agreement between the Central Manipur State and the Kuki Zomi insurgent group have been reached in 2008. In March this year, the Manipur government pulled out the arrangement with the Zomi Revolutionary Army and the Kuki National Army, saying they were influencing agitation among forest encroachers. चलिए ये हमने देखा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेते हैं हमें इसमें याद क्या रखना है, क्योंकि है तो बहुत सारे नाम. सबसे पहले हमें याद रखना UNLF क्या है. ठीक है, सबसे पहले UNLF हमने देखा आपका ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट कह लो, ठीक है, इम्पैक्टफुल कह लो, बिग कह लो. ये आपका है, कहाँ पे है, मणिपुर में. ठीक है, ये आपका इंसर्जेंट ग्रुप है. ठीक है, इंसर्जेंट ग्रुप है और मीटी से रिलेशन है इनका. उसके बाद से लिबरेशन फ्रंट यूनाइटेड नेशन इनका फुल फॉर्म है. और इनका एम क्या है, क्या था एम, मतलब इनको चाहिए था अलग. ठीक है, बोलते थे हमें अलग रहना है, इंडिया में हम पार्ट नहीं है. तो वो एम तो फुलफिल नहीं हो पाएगा, एज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. India is not federation, therefore secession not allowed. आप यहां से घर छोड़ के नहीं जा सकते, रहना तो है तो इंडिया में ही रहना है, ये इनका खैर एम था. आप देखिए, ठीक है, ये हमने देख लिया. अभी हुआ क्या है, पीस प्रोसेस टॉक हुआ है और VBIG, ये क्या है आपका, वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप. वैली में लाइक और भी ग्रुप्स हैं, लाइक UNLF. ठीक है,
यूएनएलएफ की तरह और भी ग्रुप्स हैं। ये अभी क्या हुआ इनके साथ, पीस एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, सेंटर प्लस यूएनएलएफ। विल दिस इम्पैक्ट, यस दिस विल इम्पैक्ट वीबीआईजीज दैट इज वैल्यू बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप। तो इसके क्या क्या कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ऑफ पीस एग्रीमेंट।